वेलकम टू इंडियन फूड। आज हम बनाएंगे दही गोभी। उसके लिए जो सामग्री की जरूरत है वो है गोभी का फूल, घी, मेथी, दो तीन पत्ता, तेजपत्ता एक, इलाच, दालचीनी, जीरा, अदरक, हरी मिर्ची दो, हींग थोड़ा, धनिया पाउडर थोड़ा, हल्दी पाउडर थोड़ा, मिर्ची पाउडर थोड़ा, नमक स्वाद अनुसार, प्याज, जीरा, बटर, धनिया पत्ता, एक टमाटर, एक चम्मच बेसन, थोड़ा दही। पहले हम गोभी का फूल को थोड़ा हल्दी वाला पानी में उबालेंगे। उसके लिए हमें एक भगोना चाहिए और मैं भगोना में पानी और हल्दी देने के बाद गोभी का फूल दे दिया और थोड़ा ढक्कन लगा दिया उबालने के लिए। उसमें जो भी जम्स है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब गैस जल के कढ़ाई चढ़ाया। अभी मैं कढ़ाई में तेल देंगे। तेल गर्म होने के बाद गोभी का फूल दे दिया और उसको थोड़ा हिला के ढक्कन लगा दिया। अभी निकल के उसका अंदर हरी मिर्ची देकर फिर ढक्कन लगाएंगे, क्योंकि गोभी का फूल अच्छा से फ्राई होना चाहिए। फिर ढक्कन खोल के देखेंगे। अभी फ्राई हो गया है, आप इसको उठा के रखेंगे। अभी मैं मेन जो है ग्रेवी बनाएंगे। उसी कढ़ाई में तेल और घी दे देंगे। ये गरम होने के बाद दो चार मेथी पत्ता और तेज पत्ता देने के बाद थोड़ा हिलाना है। उसके बाद जीरा, अदरक, इलाच, दालचीनी, थोड़ा हींग, फिर टमाटर दे दिए और नमक हल्दी देने के बाद मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर दे दिए और थोड़ा तेल भी दिया। उसके बाद ढक्कन लगा दिया टमाटर अच्छा से पकने के लिए। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक मैं दही और बेसन अच्छे से मिला लेंगे।
अभी ढक्कन निकल के टमाटर और थोड़ा पेस्ट करने के बाद ये दही का मिश्रण आप इसका अंदर डाल देंगे। डाल देने के बाद अच्छा से हिलाएंगे इसको। और फिर गोभी डाल देंगे और थोड़ा अच्छा से हिलाने के बाद थोड़ा पानी डाल के ढक्कन लगा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। आप ये हो गया है ढक्कन निकल के फ्राई जीरा धनिया पत्ता और थोड़ा बटर देकर ढक्कन लगा के रखी मैंने, क्योंकि इसको जो खुशबू है वो बाहर नहीं आना चाहिए। आप लोग ये दही गोभी बनाने के लिए जो देखा आप आराम से बना सकते आप लोग और खा सकते। ये दही गोभी आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा, पूरी के साथ, चापाती के साथ या राइस के साथ आप लोग आराम से खा सकते हैं। ऐसे और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।